My bad, guys. So sorry. रफ्तार आप लेट कैसे हो गए? It's the maps. मैं आपको वैसे कह रही थी कि दोनों साथ में आते हैं, अलग अलग गाड़ियों में आने की क्या जरूरत थी? देखो ऐसा है, मैंने सोचा कि हम दोनों तेरी मेरी बातें पे सेकंड टाइम आए, एंड आई वांटेड दिस टाइम कि बाहर दो दो काली गाड़ियां हो, हमारा गाना है, मतलब द राइट काइंड ऑफ प्रमोशन, ब्लैक ब्लैक रॉड ऑफ यूनिफॉर्म. क्या बात है, आपका ना स्क्वैग ही अलग है, लाइक डबल द स्वैगर रफ्तार. चलो अब देखो, इस बारी एडवांटेज इसी बात का है कि द एंटरटेनमेंट इज डबल. Yes. है ना, टू पीपल कमिंग फॉर द सेकंड टाइम एंड हैव सो मच टू टॉक अबाउट, क्योंकि हम नहीं कभी साथ आए. ये पहली बार हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट एमटीवी बीट्स तेरी मेरी बातें. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर बैक ऑन तेरी मेरी बातें, और पहला सेगमेंट है जानकारी. बहुत इंफॉर्मेशन निकालनी है तुमसे. चलिए देखते हैं कौन ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालता है. तो एक चीज जो आपने अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करके मांगी हो. देखो मांगा बहुत कुछ था, मिला इज नॉट द क्वेश्चन. मैंने बहुत जिद करके गिटार मांगा था एक बारी, आज तक नहीं सीखा. मैं दिलाया और अगर मिल गया होता तो आप बजा लेते आज गिटार. शायद रैपर नहीं होता, शुक्र है नहीं. नहीं नहीं, बट अच्छी बात है यार, हम इतने सारे अच्छे रैप्स नहीं आते, सिंगर्स तो बहुत हैं. आप रैप करो. से इज अ सिंगर. आपको किस कलर की कार पसंद है? देखो आज के बाद मुझे सिर्फ काली कार पसंद है. डेफिनेटली. और गाना भी वही पसंद है इनको. एग्जैक्टली. आप गेस करो कि हम दोनों में से ज्यादा अच्छा ड्राइवर कौन है? ऑफ कोर्स मैं. ऑफ कोर्स, क्योंकि बिहाइंड द सीन में एक घंटे पहले पहुंचा था. मतलब मेरे हिसाब से मुझे कार चलानी आती है, मगर मेरे घर वालों के हिसाब से मुझे कार चलानी नहीं आती, तो वो मुझे हमेशा ड्राइवर के साथ भेजते हैं. देखो रईस लोग पीछे बैठते हैं आराम से. मैं वैसे अपने ख्यालों में ही होती हूँ, अगर मैं चलाऊंगी भी तो मैं आधा टाइम सोच रही हूँ. वेरी गुड, प्लीज मत चलाना. आपकी लाइफ में सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट किसने दिया है? और मुझे एक्चुअली गिफ्ट्स लेने बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जब कोई मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट ले आते हैं ना, तो मतलब मेरा दिल ऐसे धक धक जोरों से करने लग जाता है. मत डरा कर, मुझे भेज दे. ये यही करूंगी. बिल्कुल नहीं घबराना, मतलब आगे से कोई लाइक घबराहट हो मुझे याद करना है. मैं दोनों हाथों से ऐसे गिफ्ट लेके घर ले जाऊंगा. ठीक है जी. आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट वुड बी अ वॉच, आई थिंक. यस. हु वाज इट? नहीं, बस दैट्स इट. बस बाकी तुम समझदार हो. बाकी तुम समझदार हो, खुद सोच लो. आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर क्या था? देखो यार, स्पीड ब्रेकर बहुत थे. There is not one that I can pinpoint and be like, ये बहुत मुश्किल था. पर हमारी काली कार तेजी से आई, स्पीड ब्रेकर पे उछली और उसके बाद लैंड करी और बम्प करी और चल दी. Don't care. मेरा आई थिंक सबसे मुश्किल स्पीड ब्रेकर अगर रहा होगा ना, वो बॉम्बे आने तक का सफर. यहाँ आने के बाद तो लाइफ सफर स्मूथ. आपको ड्राइविंग किसने सिखाई है? ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखी थी, बट चक्कर है कि मेरी छोटी बहन है, वो बहुत सही गाड़ी चला लेती है. और एक बार की बात है, हम लोग पानीपत से जब बॉम्बे आ रहे थे, और वो लोगों ने मुझे गाड़ी दी नहीं चलाने के लिए. 15 मिनट के लिए मैंने गाड़ी ली, सबको बहुत नींद आ रही थी, मैंने कहा चलो मैं चलाती हूँ, और सबकी नींद ऐसे उड़ गई कि यार क्या कर दिया. मतलब जिसने सिखाई है वो भी सोचता होगा क्या ही सिखाई है. दिस इज एमटीवी बीट्स तेरी मेरी बातें, एंड इट्स गेम टाइम, बिकॉज हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है खेल खेल में. क्योंकि अब हमने काली कार गाने में महंगी चीजों की बात कर ली, अब हम थोड़ी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों के बारे में बात करेंगे. खेल खेल में सेगमेंट में हम तोल मोल करेंगे. बेसिकली हमने इनमें से चीजों का जो है प्राइस बताना है, और क्लोजेस्ट जो आएगा टू विन. एंड वी whenever we do this there are supernatural things that work. okay, trust me. ab dekho aasman se awaaz aayegi, akashwani hogi, hame kis cheez ka price batana hai. bolo bhai. santra. i think hoga ek santra 12 rupaye ka. yaar ye santra mujhe 20 rupaye ke aas paas ka laga. to fir kare check. disclose. dekho mere ko pakda rahe ho to main to 12 ke aas paas hi bolungi. oh my goodness, 20. ye shopping jaate hain, ये सिर्फ गाड़ियां और बाइक्स नहीं लेते, संतरा भी खरीदने जाते हैं. मैं तो जा रहा हूं दोस्त. अगली आवाज आएगी. क्या बात. नींबू. नींबू मुझे पता है 10 रुपए का है. 7 8 चले यार. 8 चलो. 8 10 रुपए. मेरे जान के इनसे 8 बुलवाया था. मुझे पता है 10 का है. लेट्स गो. नेक्स्ट. सॉक्स. सॉक्स तो यार ब्रांड पे डिपेंड करता है, महंगी बहुत होती है, सस्ती बहुत होती है. बताओ बताओ. ये मुझे लग रही है 120 रुपए की लगा लो. मतलब मेरी मम्मी तो 40 में ले आती है. 100% मम्मियां तो सही बार्गेनिंग कर लेती है, मेरे घर में पापा करते हैं. आप जीतते हैं 60 रुपए की सॉक्स. क्या बात है, आप क्लोजेस्ट है ना. एक ही चीज रह गई अब. अगला बोल दो. बल्ब. 20 रुपए. मैंने बचपन में खरीदा था, 20 रुपए का ही आता था आई थिंक, या तो 20 वॉट का होगा. देख ले. हाँ. 81.
महंगी दुकान पे जाओगे तो 70 रुपए की मिल जाएगी। अब बात आप बताओ। अच्छा क्वालिटी चेक कर रहे हैं यार, ये सब मैंने नहीं सोचा। 80 रुपए दे दूंगा मैं। 80 दोगे? हाँ मतलब लेट्स सी। 20 बाबा जी, 20 बाबा जी, 20 60 मतलब मैं सिर्फ नींबू का रेट ठीक बता पाई, वो भी एग्जैक्ट, बाकी सब मैं आप ही जीते हैं। हम नींबू पानी में पीते ना। क्या तैयारी हो रही है ये? See the next segment on MTV Beats, तेरी मेरी बातें, is called Pictionary. Okay. And like the name suggests, मैं इस पे एक बढ़िया सी सुंदर सी चित्रकला करूंगा। आपके ड्राइंग अच्छी है। पिक्चर का नाम क्या है? ड्राइंग अच्छी है आपकी। समझ आ जाएगी। तो ये जो हमें पहले पर्ची मिली थी। हाँ, अच्छा उसी में? हाँ, उसमें मेरे पास तो लिखा हुआ है कि आपको कौन सी मूवी देनी है, आपके पास लिखी है? जी लिखी है। Okay. So let's begin. Yes. ड्राइंग अच्छी है यार। So I think ये round में अच्छी नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बेसिक बना रहा हूँ। तो कुछ लड़की सी बन रही है। Why two? अब जरा मैं देखूं ध्यान से। अच्छा हाफ है ये, तो कुछ तो हेल्प करो। गर्ल हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, ओह माय गॉड। आशीष तेरे को पता है ना, मैं जीता। ओ यार ये कैसे जीता? क्योंकि तूने गेस कर लिया। अब मैंने गेस करना ही नहीं। शनिवार मांगती थी, रोज लगा मिलने तो हार मांगती थी, पहले वाली भी बस कार मांगती थी, बार बार मांगती थी, जैगुआर मांगती थी और डबल आर। आपने अगर एक वर्ड इसमें से गेस कर लिया तो आपको मूवी का पता लग जाएगा। एक वर्ड P1 तो तूने लिख ही दिया। हाँ नहीं ना, तो मतलब वो एग्जांपल है। सो दिस पार्किंग, हाँ लिफ्ट, कहाँ? यस गुड, लिफ्ट। हाँ और सोचो, और सोचो, मेरी ड्राइंग का सवाल है। एयर लिफ्ट। यस, ये वाटर लग रहा है बेटा। तो फिर मेरे को एयर बनाने नहीं आ रही थी। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ लिफ्ट कैसे दिखाऊंगी, डंबल दिखाऊंगी, क्या दिखाऊंगी। बट उस हिसाब से मैंने लिफ्ट सही बना दिया। P1 क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं खड़ी होती है, इसलिए थैंक यू सो मच। वाओ, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा मैं इसको कैसे बनाऊं। गाइस जोकर तो नहीं है? हां ये बस मुझे हिंट दो, बाजीगर नहीं। दैट वुड हैव बीन अ गुड गेस, बट यहां से हिंट्स भी आ रहे फिर भी मुझे नहीं आ रहा। हार्ड मैन कौन सा काम है? रिवर्स, उसका ऑपोजिट मैन है ये आदमी। सॉफ्ट आदमी। और क्या होता है सॉफ्ट? सॉफ्ट नहीं है भाई, बिल्कुल सॉफ्ट आदमी। हार्ड आदमी का हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट होता है। अरे यार कुछ बता दो, थोड़ा हिंट दे दो यार, बेइज्जती ना करो। यार बिल्कुल बता दिया, ऐसे सिनोनिमस। किस टाइप का मर्द पसंद है तुझे? बताओ मुझे। काइंड, जेंटल, जेंटलमैन। यस। अब मेरी ड्राइंग तो देख लो यार। मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी एक लड़का, और ये क्या बना है? थोड़ी पैंट। पैंट। हाँ। और ये ई की मात्रा। पंती टू। छोटी की मात्रा लगाना यार। बट मेरा दिमाग कैसा लगा आपको? बस यहाँ पे एक छोटी बच्ची बना रही थी ना, तू रखना हो जाता। वाओ कुछ तो मस्त बन रहा है। बहुत कमाल की ड्राइंग है यार इस बंदे की। और साथ में एक्सप्लेन करने का तरीका, तो मतलब मेरे जैसे डफर लोग भी समझ जाएं। Are you ready guys? Yeah. तालियां बज रही हैं। You guessed the movie also. हाँ, तो this is bounty, तो मतलब कि कोई तो चाहिए, तो this is wanted. दंगल। Oh my God! This is awesome. Drawing पूरी होने से पहले। मेरी ड्राइंग पूरी होने से पहले द आंसर इज हियर। तो अब टाइम है शो के बेस्ट और मेरे फेवरेट सेगमेंट का, शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट। क्या करेंगे हम? फोटो खींचेंगे एक सेल्फी बढ़िया सी। एमटीवी बीट्स तेरी मेरी बातें पिक्चर व्हिच वी विल ब्लास्टेड ऑन द स्क्रीन आफ्टर वी टेक इट। यस, तो बढ़िया सी पिक्चर। अच्छा आप लेंगे? ओके okay. So guys, this was Raftaar and Aasi's score on MTV Beats, Teri Meri Baatein. As usual, हर बार की तरह हमने बहुत enjoy किया, and we hope कि आप भी हमारे बारे में कुछ जानकारी लेके जाएंगे। हमारे सॉन्ग काली कार को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, और भी मजेदार बातों के लिए देखते रहिए तेरी मेरी बातें, only on our favorite music channel MTV Beats. Blood may have beat.